भारत में सालों साल केसों का चलना तो बड़ी आम सी बात है, फिर चाहे वो निठारी कांड केस हो या निर्भय का। तो आज हम दिल्ली की जनता से पूछेंगे कि उन्हें क्या लगता है कि सरकार या हमारी न्यायपालिका इतना समय क्यों लेती है किसी भी केस को सॉल्व करने के लिए। ऐसा क्या लगता है कि क्या फैक्टर्स हैं इसके पीछे कि भारत सरकार को इतना समय लग जाता है किसी भी केस को सॉल्व करने में, और जो क्लियर कट केसेस होते हैं उसमें भी 12-12 साल लग गए। जैसे निठारी कांड था, उसमें 12 साल बाद अभी शनिवार को ये बताया गया कि जो अपराधी है उन्हें फांसी होगी, पर वो फांसी कब होगी वो भी नहीं बताया गया अभी। कानून व्यवस्था जो है इसे हमारे देश में बहुत स्लो है, इस वजह से इसमें बहुत टाइम लगता है। दूसरा पेंडिंग बहुत ज़्यादा काम जो है बहुत ज़्यादा पेंडिंग है। रीज़न ये हो सकता है कि जेजो उसकी कमी है, और दूसरा इलिटरेसी, हमारे जो देश में जो इलिटरेसी है वो भी एक कारण हो सकता है। भारत का संविधान है, इसको बदलो आप। समय इसलिए सरकार ने रहा है कि सरकार जो है लापरवाह है, सोई हुई सरकार है। बहुत से फैक्टर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स भी होते हैं, कुछ इन्वॉल्वमेंट होती हैं अदालतों की भी, कुछ एडवोकेट्स जो है, जुडिशरी है जो हमारी वो नहीं चाहती ऐसा करने के लिए, तो देर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। नीचे से लेके ऊपर तक करप्शन का मेन प्रॉब्लम है। सबका मिली भगत होता है, नेता अपराधी सब मिली भगत रहते हैं, सब जजमेंट सबको मिली भगत रहता है। इसमें राजनीति का दाव पेच है, राजनीति के चलते ही ऐसा होता है। कानून व्यवस्था को ठीक करो, न्यायपालिका को ठीक करो, खुद ब खुद सब एक जैसा हो जाएगा। शॉर्टेज ऑफ जजेस एंड शॉर्टेज ऑफ कोर्ट्स, देयर आर ओनली 24 हाई कोर्ट्स इन 29 स्टेट्स, सो दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ जुडिशरी, दैट्स बिकॉज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लेजिस्लेशंस। सो वी कैन ब्लेम जुडिशरी फॉर व्हाट द एडमिनिस्ट्रेशन इज डूइंग, द गवर्नमेंट इज डूइंग। जितना समय सरकार किसी केस को सॉल्व करने में लेती है, शायद उतना ही समय सरकार को बदलने में लग जाए। विद कैमरा पर्सन राहुल, आई एम तन्या फॉर वॉइस ऑफ पीपल।